तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ इंदौर के नारशाह वाली दरगाह पे, जो कि यहाँ का उर्स स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं जानकारी करके बताऊंगा कि यहाँ का उर्स कितने दिनों को होता है और यहाँ का उर्स किस तरीके से मनाया जाता है। देखो कितना क्यूट सा बेबी है, देखिए छोटे बच्चों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे तोला जाता है। अभी जानकारी करके बताएंगे आपको कि यहाँ पे छोटे बच्चों को तोलने की क्या मान्यता है। आज दरबार में आप लोग आए हैं, मैं कह रहा हूँ आज बच्चों को तोलने, थोड़ा बताएं आप कुछ मान्यता आपकी। आबाद खुदा रखे तेरा मैखाना। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाबा जान का उर्स कितने दिनों का मनाया जाता है और आज क्या क्या होगा और कल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली मैं पहुंच चुका इंदौर और इंदौर में हम लोग हैं मौजूद खजराना। तो आज हम लोग जा रहे हैं नारशाह वली की बारगाह पे, आज उनके उर्स स्टार्ट होने वाला, यानी कल से ना, कल से उनका उर्स स्टार्ट होने वाला है। तो अभी कैसा माहौल है और कितने दिन का उर्स मनाया जाता है, और अभी चलते हैं खादिम साहब से पूरी जानकारी करके बताते हैं अभी माहौल कैसा है। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आए, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। ये मेरे साथ में मेरा दोस्त है अनस, ये मेरी वीडियो बनाने में मदद करेगा, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली हम लोग मार्केट में जा रहे हैं और ये खजराना का कुछ एरिया देख सकते हो, यहाँ पर माहौल रात का चमकता हुआ। अब जा रहे हैं हम लोग दरगाह शरीफ की तरफ, कैसा माहौल होगा पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। ये आसपास में दुकानें भी बहुत लगती खाने पीने की, चलेंगे अभी थोड़ा बहुत खाना पीने के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पे पचास रुपये किलो। क्या बेच रहा था वो? चमेली बोर। अच्छा चमेली बोर, वाह यार। यहाँ पे पूरे रोड में खाने पीने की दुकानें होती हैं ना, क्या कहते हैं इस एरिया को? खजराना मेन रोड है ना, खजराना मेन रोड बोलते हैं। और दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हो झूले लग गए, क्या बात है, झूले पहले लग गए, देखो झूले पहले लगना शुरू हुआ है यहाँ पर। तो गाइस फाइनली मैं गोश्त मार्केट रेंजर होटल में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर आपको तरह तरह की मिठाइयाँ मिल जाएगी अगर आपको जो चाहिए, और गाजर का हलवा भी मिल जाएगा और इमरती भी मिल जाती है, देखिए कितनी खूबसूरत जलेबी इमरती एक साथ। कितने रुपए किलो होगी अंकल जी ये? हाँ और इमरती 160। तो आज मैं यहाँ पर खाने वाला हूँ कौन सा समोसा? तो भाई आज हम पहली बार यहाँ पे खाएंगे मीठा समोसा, तो कैसा टेस्ट होगा क्या होगा अभी टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये आपको मात्र मिलने वाला है इंदौर शहर में खजराने में मीठा समोसा, तो पहली बार खाने जा रहा हूँ मीठा समोसा कैसा होगा। तो गाइस फाइनली मैं इंदौर में हूँ और फाइनली हमारा आ चुका है मीठा समोसा। तो अभी हम चेक करते हैं क्या है, क्या चल रहा है इसका, बोर्ड के सरकार मिलेगा और क्या। मावा है, मावा कितने रुपए का? ये 17 रुपए का भाई। तो मावा वाला समोसा, मीठा समोसा, इंदौर में आओ और मीठा समोसा खाते जाओ। नारशाह वाली दरगाह के बिल्कुल पास में ही है। होटल का नाम क्या है चाचा? रेंजर होटल। टेस्ट करके बताते कैसा रहता है, बिल्कुल पता कौन सा टेस्ट आ रहा है, गुजिया वाला टेस्ट आ रहा है, ऐसा गुजिया खा लो। और जब आप दरगाह शरीफ की तरफ जाएंगे ना, तो आपको इस तरीके से वो क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, होले। तो आपको होले मिल जाएंगे इधर पकते हुए। भैया कितने रुपए के हैं? 30 रुपए का 100 ग्राम पक्के आता है पूरा। नमक भी डाल के देते हो या ऐसे ही? 30 रुपए का 100 ग्राम है भाई। हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, होरा बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना, होला। ठीक है भाई शुक्रिया। तो ये डेली ये लगाते हो कितने से कितने तक? 4 से 12 बजे तक। ठीक है शुक्रिया भाई, रात के 12 बजे तक। अभी हम एक फिश टेस्ट करके बताते कैसा है, टेस्ट कर सकते हो? एक बड़ा है और एक छोटा है, टेस्ट करके बता दे कैसा है। तो ये इंदौर का ही है, ये बाहर से आता है माल? ये बाहर से आता है। कहाँ से? ये अपने जाना मलाना से फरगुन एमपी महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र से आता है क्या? आप मस्त यार भाई, शानदार है। तो आप आओ ये खजराने में, आओ तो खा के जरूर, खाते हैं सर्दियों में ना जी। तो देखिए ये खजराना दरगाह का माहौल है, लाइट वगैरह सज गई है, झूले वगैरह लग गए हैं, काफ़ी खूबसूरत माहौल है। ये हम पहुंच गए नारशाह वली की दरगाह का, ये गेट है, ये दरगाह शरीफ। देखो सजावट इधर ही हुई होगी भाई, साथ उधर नहीं हुई होगी।
सुभान अल्लाह। देखिए सामने कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, सामने देखिए दरगाह शरीफ, माशाल्लाह। कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, कितनी खूबसूरत सजावट हो रखी है माशाल्लाह। अब चलते हैं दरबार शरीफ के अंदर, कैसा क्या माहौल है पूरा चलते हैं, जानकारी देंगे आपको, पूरा बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है उर्स मेले के लेकर के। वाह यार शानदार है, देखिए खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह। ये क्या फाउंटेन बना रखा है पूरा है, अरे वाह देखिए कितनी खूबसूरत सजावट करी गई है यहाँ पे फाउंटेन में। और वहाँ पे पूरे झूले वगैरह लगते हैं। ये क्या मस्जिद है, ये देखिए यहाँ की बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत है यार मस्जिद तो। अब यहाँ के जो खादिम साहब होंगे उनसे थोड़ी सी जानकारी करके आपको बताएंगे। जाना पड़ेगा खादिम। ये यहाँ पे फूल चादर की दुकान है, ये यहाँ पे देखिए फूल चादर की दुकान है, आप यहाँ पे फूल वगैरह भी लेके जा सकते हो। अरे माशाल्लाह ताजे फूल है बिल्कुल। कितने रुपए की एक टोकरी पड़ती है भाई, ये कोई सी भी चादर और फूल, क्या क्या इसमें सामान। अच्छा और ये छोटी, अच्छा जिसकी जितनी आस्था उसका उतना कर सकते हैं। अच्छा तो मतलब जिसका जितना अकीदा उतना पेश करता है। ये फूलों की चादर भी होती है क्या? अच्छा हार है। कितने रुपए के? हाँ और ये, अरे वाह माशाल्लाह, मतलब 150-200 रुपए के आसपास में। हाँ अच्छा ये 400 रुपए का बड़ा बना हुआ है ना इसलिए। ये देखिए यहाँ पे फूलों की दुकान है हमारे भाइयों की सारी, यहाँ से फूल वगैरह लेकर के दरबार में पेश करने के लिए लेके आप लोग जा सकते हो माशाल्लाह। देखिए देखिए यहाँ पे बाबा लोग आते हैं, चाची लोग, इनकी थोड़ी सी मदद कर दिया करें क्योंकि इनका सारा कोई नहीं, हम ही है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सजावट हुई है। ये सामने भी एक दरगाह शरीफ है ना, ये किन की है? मस्तान बाबा की एक दरगाह शरीफ है। और ये देखिए ये है दरगाह नारसा वाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफ़ी खूबसूरत देखिए सजावट हुई है, अरे है माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी यहाँ पे उर्स स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, और इंशाल्लाह पे आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ये वजू खाना बना हुआ यहाँ पे भी दरगाह है, और ये देखिए नारसा वाली बाबा की दरगाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ को सजाया गया है नारसा वाली बाबा की। अभी अभी चलेंगे, पूरी जानकारी यहाँ के खादिम साहब से लेंगे और आपको जानकारी करके पूरा बताएंगे माशाल्लाह। ये देखिए हाँ, तो देखिए हम लोग नारसा वाली की बारगाह पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमारे भाई बड़े बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप? मैं खरगोन से। अच्छा अच्छा, हमारे भाई सब्सक्राइबर मिल गए, सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप आए हैं, कैसा लगा मंजर? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत सरकार का बहुत करम है हम पे। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? हम देखो मेरे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, ये मेरा तीसरी बार का है, मैं आ रहा हूँ यहाँ। मतलब दरबार में आते रहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम फहीम शेख है। जैसे यहाँ पर कई लोग होते हैं अपने मन्नत मुरादे मांगते हैं, कुछ बताएं यहाँ के बारे में, कुछ करामत यहाँ पे जो आपके साथ हुई हो या आपकी मन्नत मुराद मांगी हो, सही हो। मैं बताता हूँ जी, मम्मी को प्रॉब्लम थी ब्रेस्ट कैंसर की जी। तो क्या हुआ कि पैसे का इंतजाम हो नहीं रहा था जी, हम सरकार के मतलब यहीं पे आके खड़े थे जी, कोशिश कर रहे थे सरकार से विनती की कि सरकार करम करो अब जी, कुछ भी करके जी। माशाल्लाह सरकार ने करम कर दिया जी, इंतजाम तो मतलब पैसे का इंतजाम हो गया जी जी। क्या बात है, मतलब ये जिंदा करामत है, जिंदा करामत है, मेरी आंखों देखी, मेरे साथ ही हुई ना। क्या बात है सुभान अल्लाह, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी हमारे भाई लोग आए, कहाँ से अपन? अच्छा मेरी वीडियो देखते हैं, तहे दिल से शुक्रिया भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अच्छा अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ को सजावट हुई है यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ के खादिम साहब से थोड़ी सी जानकारी करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैं नारसा वाली की बारगाह पे आया हूँ, जहाँ पे ज़ायरीन काफ़ी तादाद पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए वजन तोल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मन्नत मुराद वाले लेके आते हैं, बच्चों को तोलते हैं, देखिए माशाल्लाह देखो कितना क्यूट सा बेबी है।
देखिए नारसवली की बारगाह पे देखिए छोटे बच्चों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे तौला जाता है। अभी जानकारी करके बताएंगे आपको कि यहाँ पे छोटे बच्चों को तौलने की क्या मान्यता है। परिवार वालों की जायज तमन्ना पूरी करना, इसको उम्र दराज करना, सहिता की। अच्छा आज दरबार में आप लोग आए हैं, क्या मान्यता थी थोड़ा सा हमें बताएंगे जी? जी मैं कह रहा हूँ आज बच्चे को तोड़ रहे हैं, थोड़ा बताएं आप कुछ मान्यता आपकी। मान्यता यही है बस, अच्छी इसकी उम्र दराज रहे और कुछ मिजाज की रही है। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये कि बाबा की बारगाह में दुआ मांगा था आप लोगों ने, वो मन्नत कबूल हुई ऐसा जी, और फिर वजन कराने आप लोग आए जी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या मन्नत मांगी थी, किस चीज़ से तोलेंगे? मोतीचूर के लड्डू से। और आज उसी चीज़ से तोलना है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चाचा यहाँ पे क्या मान्यता होती थोड़ा सा हमें बताएं, मतलब जैसे बच्चों को तोलते हैं ना थोड़ा सा, जिस हिसाब से लोग आते हैं मन्नत लेते हैं, कोई फल में तोलेंगे, कोई फ्रूट में, कोई मावे में, मेवे में जी, हर चीज में उनकी जो मुरादें पूरी होती है जी, उस हिसाब से आके तोलते हैं, अपनी तोलते हैं, मुरादें पूरी होती है सरकार में जी, सरकार में मन्नत पूरी करते हैं लोग, तोलते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये कि बाबा हजूर की बारगाह में आते हैं, मन्नत मुराद मांगते हैं, और जब पूरी हो जाती है इनके सदके वसीले से, अल्लाह ताला उनकी मुरादों को पूरी करते हैं, तो बच्चों को इस तरीके से खुशी से तोलते आके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इन्होंने औलाद के लिए दुआ मांगा था, तो इनकी मन्नत पूरी हुई, तो यहाँ पे तोला जा रहा है। और अब चलते हैं अंदर में, थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं आप लोग कैसा, कितना खूबसूरत माहौल है ये देखिए, सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत प्यारा माहौल है यहाँ पे भी। देखिए काफ़ी खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ है, कल इसके बारे में भी जानकारी करके आपको बताएंगे दरगाह शरीफ के बारे में। यहाँ पे देखिए नज़र पेश करते हैं लोग, ये देखिए सुभान अल्लाह, अभी पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पर, ये दरगाह शरीफ है सुभान अल्लाह। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पे, मन्नत मुराद दुआ मांगते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर एक बारगाह में जाता हूँ, वली अल्लाह की बारगाह में जाता हूँ और आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ, मैं यहाँ पर भी आप सब लोगों के लिए यही दुआ करूँगा कि या बाबा जान आपकी बारगाह पे जो ज़ारीन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो किसी कारण से नहीं आ पाएंगे आपकी बारगाह पे या नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको आपके मेरे चैनल के ज़रिए आपके दरबार पर ज़रत नसीब फरमा दें, और इंशाल्लाह आपके दरबार पे जल्दी से जल्दी उनका भी बुलावा हो, और इंशाल्लाह आपके सदके वसीले से अल्लाह ताला उनकी जितनी भी मन्नत मुराद हैं, जो भी घर में परेशान हाल है, जो भी घर में बीमार है, जो भी घर में प्रॉब्लम है, रोजी रोजगार में बरकत, जो भी उनकी दिल की ख्वाहिश है, शादी ब्याह के जो भी है, सब कुछ इंशाल्लाह मैं दुआ ये करता हूँ कि आपकी बारगाह पर वो आए और इंशाल्लाह उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाएं। और ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, करके मुझे दीवाना, अब रुख चुका है, चलता रहे मस्जिदों में परमाने से बेमाना, चलता रहे मस्जिदों में परमाने से बेमाना, आबाद खुदा रखे, आबाद आबाद खुदा रखे, आबाद खुदा तो आप देख सकते हो मैं नारसवली की बारगाह पे आ चुका हूँ, जहाँ पे यहाँ के हमें खादिम साहब मिले जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि बाबा जान का उर्स कितने दिनों का मनाया जाता है और आज क्या क्या होगा और कल क्या होगा। बाबा जान का जो उर्स 7 दिन का प्रोग्राम रहेगा जी, जिसमें कल साई संदल गांव की मस्जिद से जुलूस के साथ यहां पर आएगा जी। बाबा जान का 11 बजे संदल पेश होगा और दिन के 11 बजे नहीं रात को 11 बजे जी, मगरिब के बाद वहाँ से जुलूस चलेगा जी गांव की जामा मस्जिद से साई संदल आएगा जो हर साल आता है उस तरीके से आएगा जी। और 31 तारीख को जो है तकरीर का प्रोग्राम रहेगा जिसमें उलमा इकराम भारत आएंगे जी। फिर 1 फरवरी को जो है कवाली होगी, 2 फरवरी को कवाली होगी, 3 फरवरी को कवाली होगी, 4 फरवरी को सुबह में रंग हो जाएगा, फूल की पाटियाँ हो जाएगी और संपन्न हो जाएगा। तो कितने दिनों का उर्स मनाया जाता है ये? 7 दिन का प्रोग्राम रहता है। 7 दिन का प्रोग्राम रहता है तो जी जी, जाहिरीन आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी सिख ईसाई सभी भाई लोग आते हैं यहाँ पे सत्ता के साथ आते हैं, सरकार के अंदर जो है आस्था से आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है जी। एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे खासी तादाद में हिंदू भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, हर धर्म जाति के लोग होते हैं, क्या मान्यता होती है? हर माल पूरी होती है, बे औलाद को औलाद मिलती है, ला इलाज बीमारी उसको शिफा मिलती है जी। हर काम यहाँ से बनते हैं, जिनका धंधा रोजगार नहीं रहता उनका धंधा रोजगार। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे गुलाब जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शेर का खाल का जो है, सरकार सैयद गाजी मुहद्दीन नाफशाह वली रहमतुल्लाह आपका नाम है जी, और जो है आप इराक से तशरीफ लाए जी, और जब जब यह जंगल था खजराना, जब सरकार की बारगाह में शेर खिदमत करा करता था जी, शेर खिदमत करता था और जो है आपका लकब नाफशाह वली जी, इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे जो गुलाब चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल शेर के टाइप में गुलाब जी, शेर के खाल के टाइप में है। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मजमू मलंग दरगाह खादिम नारशावली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं? डेढ़ एक साल हो गया। कहाँ से आए आप? मैं गांधीनगर में रहता था पहले, अभी हरियाणा। अच्छा, यहाँ के बारे में क्या क्या वाक्य सुना है, क्या करामत आप लोगों ने आपको अपने आँखों से देख रहे हैं? जैसा कि ब्लू हवा ने बताया, लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, बीमारों को शिफा मिलती है, बेऔलादों को औलाद मिलती है। शर्त ये है कि अकीदत के साथ में आया जाए और सरकार से मांगा जाए तो बिल्कुल अल्लाह की अता से सरकार अता करे। मतलब ये कि अगर दिल में अकीदा है तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत आप क्या कहना चाहेंगे आज के लिए, आज के दिन के लिए? आज के दिन के लिए मैं बहुत अच्छा सरकार का वहाँ पे मैं हाजिर होने आया हूँ जी, और सरकार नूरुद्दीन नारशावली का बहुत करम है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज यहाँ पे महफिल भी है। आज भी है जी, आज हमारी हल्का जिक्र की महफिल है यहाँ पे। कितने बजे से चालू होगी महफिल? 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 11 बजे तक महफिल रहेगी जी, जो कि हमारे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर रिजवान पटेल साहब की सदारत में प्रोग्राम हो रहा है और हमारे खादिम खास जनाब बबलू ओबा की सदारत में प्रोग्राम हो रहा है जी। माशाल्लाह, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है अब्दुल नदीम खान, इंदौर का ही रहवासी हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबा आज जैसे उर्स का माहौल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी खुशी की बात है, मुबारक जी। किस तरीके से आप लोग ज़ियारत करवा रहे हैं जारी ने जो आ रहे हैं बाबा की बारगाह पे? जी आप कितने समय से यहाँ खिदमत कर रहे हैं? मेरे को 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से खिदमत कर रहे हैं। किस तरीके की मरीज यहाँ पर, किस तरीके के मरीज आते हैं? हर तरीके के मरीज आते हैं, थोड़ा सा हमें बता सकते हैं आप? हर तरीके का आते, बीमार आते, तकलीफ वाले, हवा वलाएं वाले आते, सभी आते हैं। सरकार की बारगाह में दुआ करते हैं और फेस पर लगाते हैं बारगाह सरकार से जी। अगर कोई जरूरत करने आ रहा है यहाँ पर तो क्या क्या तबर्रुक के तौर पे यहाँ पे पेश करना पड़ता है? जो भी मतलब उनकी तरफ दिली आर्जू तमन्ना होती है, कोई चादर शरीफ का तोहफा लेके आते हैं, इत्र फूल का तोहफा लेके आते हैं, जो भी नजराना लगेगा, जो भी मतलब उनको वो फूल है तबरुक आते हैं, ये सभी पेश करते हैं बारगाह में। कभी दुआएं मत करत कर के अपनी दिली आर्जू मुराद तमन्ना पूरी करके जाते हैं अल्लाह के दुआ करें सभी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम गुलाम नबी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पे खासी तादाद में जायरीन आते हैं, मन्नत मुरादें मांगते हैं, दुआएं करते हैं। ये देखिए पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पर उर्स को लेकर के, यहाँ पे देखिए पूरी तैयारी हो रही है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इसी तरीके की मैं जानकारी देता रहूँगा इंशाल्लाह आप लोगों तक। देखिए यहाँ पर अगर बत्ती वगैरह यहाँ पर लगाते हैं जायरीन जो आते हैं यहाँ पर,
ये देख सकते हो यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, दुआ वगैरह मन्नत वगैरह मांगते हैं अपनी अपनी। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्राउड बढ़ता शुरू हो रहा है। अरे तुम अजमेर में भी अभी परफेक्ट पहचाना, कहाँ से तुम? मऊ से आए हो क्या? तो नारसवली की बारगाह पे उर्स पे आए होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे भाई मऊ कहाँ पर थे? एमपी में ही है ना? हाँ, ये पास में, पास में। अच्छा पास में मऊ से आए हमारे भाई लोग, हमारी वीडियो देखते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया, वीडियो को शेयर करते रहिए। अच्छा क्या नाम है, क्या क्या नाम? अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए। और कुछ चाय नाश्ता? तो देखिए यहाँ पर खासी तादाद में जारीन आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उर्स स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जारीन आते हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ लग जाती है, यहाँ पे कल या परसों से जब से उर्स स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, पूरा फुल हो जाएगा एरिया जब दरगाह शरीफ का उर्स स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। कल इंशाल्लाह कल उर्स स्टार्ट हो जाएगा। आज सजावट वगैरह हो गई यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत, देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।